बीबी साहब, जो बीबी परेशान कर रही हो आदमी को, उसे क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, स्पेशली वुमेन के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे हिंदू धर्म में तो एक शादी अलाउ है, और वो भी नहीं दे सकते हम तलाक। सिर्फ तलाक तलाक बोल के डिवोर्स नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं अमित धुबिया। 3 तलाक पर बिल पास हो गया है लोकसभा से और राज्यसभा से, अब कानून बनने जा रहा है। और आज इसी विषय पर जनता की क्या राय है, 3 तलाक के पर जो बिल बना है उसके बारे में जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम आज जनता जनार्दन के बीच पहुंचे हैं। तो जानते हैं जनता से कि 3 तलाक पर जो बिल बना है उसके बारे में उनकी क्या राय है। ऐसा है, मैं बताता हूँ आपका। आप हिंदू धर्म को मानते हो, हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, आप अपना जो धर्म है वो निभा रहे हो, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। जो हमारे धर्म में है, जो कुरान में लिखा है, वो अटल है, उसको कोई नहीं हिला सकता। अच्छा। तो कानून संविधान नहीं मानोगे? मुसलमान नहीं बना रहा ना कानून, मुसलमान थोड़ी बना रहा। संसद तो सबकी है। वो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मानेंगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के मजहब में दखल अंदाजी करे। नहीं, वो तो कानून इसलिए बना रहे हैं ना कि महिलाओं की सुरक्षा हो सके, क्योंकि सुरक्षा तो है, सुरक्षा क्यों? 3 तलाक एक बार में दे दिया, वो गलत है कि नहीं है बताइए? एकदम से आदमी जान के तो देगा नहीं, और देगा तो फिर उसकी बिरादरी नहीं बैठी है। अगर औरत ने गलत किया है और उसको दी जा रही है तो ठीक है, और अगर गलती से दी जा रही है तो फिर कोई उसके घर वाले हैं, भाई बहन। आप कह रहे हो कि समाज से उसके बिरादरी देगी, बिरादरी सजा देगी, तो संविधान कहाँ जाएगा? संविधान किसके लिए फिर? जब बहुत बातें ऐसी होती हैं, संविधान जो है वो संविधान तो है, संविधान अपनी जगह है, लेकिन जो कुरान है, कुरान के हिसाब से है, ये कोई ऐसे नहीं है। 3 तलाक का मतलब क्या है? 3 तलाक क्यों आदमी एकदम से नहीं एकदम भी दे देता है? एक तो दारू पी ली दे दी नशे में, वो गलत है। क्या गुस्से में दी? हाँ। क्या गुस्सा आ गया जी, गुस्से में दी, वो भी गलत है। ऐसे तो केस उनके लिए क्या करें? सजा मिलती है उनको। कौन देता सजा? बिरादरी देती है। यही तो पूछ रहे हैं कि बिरादरी क्यों देती है, समाज संविधान क्यों नहीं देता? अब समाधान कोई ऐसा था पहले ऐसा कोई समाधान था? तभी तो बना रहे हैं ना कानून। कानून बना रहे हैं ना, तो ठीक है, मतलब जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब सबके लिए, उसमें महिलाओं के लिए बहुत बढ़ावा है आगे कानून ने, पहले भी हमारा हिंदुस्तान अपने पे चलता कहाँ है, वो तो अंग्रेजी हुकूमत पे चलता है। बताओ, अंग्रेजी हुकूमत पे चलता है ना, तो महिलाओं की सुरक्षा तो होनी चाहिए ना। सभ्यता क्या है? हिंदुस्तानी सभ्यता क्या है? मतलब हिंदुस्तानी सभ्यता एक अलग चीज़ है, सभ्यता विकसित होती, विकासशील होती है। हम सभ्यता और संस्कृति में नहीं फंसेंगे, हम बात वो करते हैं कि संविधान को क्यों नहीं मानेंगे फिर आप? संविधान क्यों नहीं मानेंगे? संविधान मानेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जो संविधान तो कह रहा है कि 3 तलाक गलत है। कब? अब आज कह रहा है, पहले से ही कह रहा है। अब जब कानून बनाए तब होगा ना, तो कानून सब मानेंगे तब ना। अच्छा, सब मानेंगे तब, आप नहीं मानोगे? ऐसे नहीं मानेंगे, जब सब मानेंगे। सब मानेंगे, सब कौन मानेगा? मतलब सब मान रहे हैं देश के। अब आप कर रहे हो ना, बस अब मैंने जो कहना था वो कह दिया, उससे आगे नहीं बोलूंगा। नहीं बिल्कुल, आपका विचार चाहिए था, एक विचार होता है संसद के अंदर। विचार, हाँ विचार होता है, तो मैंने बताया ना आपको। अच्छा, सब मानेंगे हम, कानून से अलग नहीं जाएंगे हम भी, लेकिन ये है ना कि जो हिसाब गलत है मर्दों के लिए क्या है, सारा कुछ औरतों का ही है। आप भी बताओ, सब कुछ औरतों का ही है क्या? मर्दों का कुछ नहीं है? हैं, औरत ने कह दिया जी, ने मुझे झूठ जाके बोल दिया कि मुझे तलाक, 3 तलाक दे दिए इसने, हैं, उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप ये बताओ, मियाँ बीवी घर के अंदर हैं, उसने जाके कह दिया जी, उन्होंने मुझे 3 तलाक दे दी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो कह देगा मैंने नहीं दिया भैया, मैं तो रखने को तैयार। तो वो कहेगा मैं रखने को तैयार हूँ, वो तो कहते जी मैं तो, मुझे तलाक दे दी, मैं तो नहीं रहती। अच्छा, तो फिर क्या करोगे आप? वो तो कह रही है जी मुझे तलाक दे दी, फिर क्या करोगे? बहुत केस ऐसे हैं, बहुत ऐसे केस होते हैं, कानून का दुरुपयोग होगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल होगा, और बहुत ज्यादा होगा। भैया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बना है ये 3 तलाक का बिल, सारी जितनी मुस्लिम बहना है उनको सबको भी बहुत ज्यादा राहत मिली है, बहुत अच्छे से अच्छा हुआ है उनके साथ, ये बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। हाँ। उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि मोदी जी ने अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बिल लाया। बहुत, आपके हिसाब से कानून सही बना है कि जो 3 तलाक देगा उसको जेल? बात ऐसी है, कानून सही बना हुआ है,
मगर अगर बीवी परेशान कर रही है आदमी को, उसे क्या करना चाहिए? उसे कोई कानून होना चाहिए ना चाहिए? उसका क्या कानून है बताओ? मेरी बीवी आज 8 दिन से लगातार लड़ रही है, अभी आई दो बार भगा दी दुकान से मैंने, क्या करूँ उसका बताओ? क्या करूँ उसका मैं? और तलाक दे नहीं सकते? तलाक दे नहीं सकते, सुबह से लेकर शाम तक समझाते रहो, मगर वो ये भैंस हगेगी, गोबर हगेगी, चांदी सुना नहीं हकने की। सुबह से शाम तक समझाते रहे, मैं समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। हमारी माँ को ये बताओ, हमारी माँ को तो वो बहू रखने लगा वो। तो आपने कभी मतलब तलाक का भी नहीं बोला उन्हें? कुछ भी नहीं बोला हमने। उसका भाई कह रहा छोड़ दे, ये तेरे पे नहीं रखी जा रही, तो ये माँ बोल रही है हम जब अपने बेटी को अपना रख लेंगे, तो क्या करना चाहिए बताओ? क्या ये माँ परेशान है, हमारे सगी फूफो की लड़की है। अच्छा, सगी फूफो की छोड़ भी नहीं सकते, कोई बाहर की होती है मुँह में हाथ लगे जमा जो जुबान खेल लेते हैं, सगी फूफो की लड़की कुछ कह भी नहीं सकते, क्या करें? क्या सोचने योग्य बात है और इस बारे में हम आगे कभी चर्चा जरूर करेंगे। औरत को तलाक नहीं दे सकते, वो मानता हूँ मैं भाई, हमारी भी धी बेटी हैं, कोई हम सारी किसी के साथ में करें, वो हमारी धी बेटी से तलाक दे, वो बेटी हमारे घर पर आके बैठे, हमें बुरा लगेगा, मगर हमारी बहन किसी को परेशान कर रही है हद से ज़्यादा, तो उससे क्या इलाज है? सरकार से ये तो पूछो, हाँ भाई उससे क्या इलाज है? ऑब्वियसली वो फिर नहीं कर सकते, अगर एक बार ये चीज़ पास हो गई देन ऑब्वियसली उनका कोई उस पर कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी मानते रहे, लॉ के आगे तो रिलीजन वगैरह फिर नहीं चलता है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहोगे? वो तो उनकी पार्टी तो गलत बता रही है, इतने नेता है नहीं, साढ़े साढ़े चोर है बेमान, एक सिर्फ मोदी अच्छा है। अच्छा, हकीकत बात है, नहीं तो हर राज से हार रहा है, क्यों हार रहा है? इसी चक्कर में हार रहा है, कोई नेता ही नहीं है उसके पास। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धक्का हो रहा है 3 तलाक वाले बिल पे। अच्छी बात है, इन्हें बहन चार चार शादी करके छोड़ दे, तलाक तलाक छोड़ छाड़ के भाग जाते, अब उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तो अच्छी बात है, अब तलाक दे के देखो जैसे थाने में वो है हलाला कि किसी की बहन बेटी को 3 बार तलाक दे के बोल दिया तलाक तलाक, और फिर उसे कह दे कि हम तुम्हें जब अपनाएंगे जब दूसरे से शादी करोगे एक रात के लिए। ये गलत है, गलत है ना, बहुत गलत है ये सब चीज़। बिल्कुल सही किया है मोदी जी ने, जो किया है मोदी जी जो कर दिए सही कर दिए हैं, बिल्कुल सही कर दिए। अरे कड़े भक्तो यार वैसे तो। अच्छा सर ऐसा है, ये 3 जो तलाक है ना ये बिल्कुल नाजायज है। क्यों? के हमारे हिंदू धर्म में तो एक शादी अलाउ है और वो भी नहीं दे सकते हम तलाक। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अलोकतांत्रिक है ये सब, लोकतांत्रिक नहीं है, मतलब उनकी पार्टी बोल रही है, वो तो क्या बोल रहे हैं? गुलाम नबी आज़ाद है, उन्होंने बोला है कि ये तो मुसलमानों के ऊपर खिलाफ हो रहा है सब। तो राहुल क्या बोला आपने? वो राहुल गांधी जी तो वो भी तो मोमडन से जुड़े हुए हैं राहुल गांधी जी, इसीलिए कह रहे हैं। बिल्कुल क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल का मैं पूछ के आया था, मैं बोल रहे थे गांधी हूँ मैं तो। कौन गांधी? मैं पूछ के आया था उनसे, राहुल गांधी से। गांधी के नाम पे वो डब्बा है। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवंथ बी। सेक्शन भी बता रहे हो मैं? अच्छा और सब बोलो तो नाम भी बता दे, और क्या? अरे नाम भी बता दो, कहाँ गए हो, रहने वाले कहाँ गए? बिहार के। अरे बिहार गए हो, तभी कहाँ के रहने वाले हो बिहार में? बिहार में जमालपुर। जमालपुर के रहने वाले हो, बिल्कुल सही पकड़े, तभी बोल रहे हो ना। 3 तलाक पे क्या राय है आपकी? क्या बोले हम तो? अच्छा अभी तो हम बच्चे हैं। अभी ये वैसे बच्चा है, लेकिन अभी बता रहा था कि गांधी के नाम पे दबा कौन है। जो चीज़ें अभी हो रही है, मतलब कि जस्टिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब उनके लिए किया गया है। जनरली होता ये था कि चाहे वो रीज़न कोई भी हो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल जो मुस्लिम लेडी है वो चाहे किसी भी मीन्स किसी मिडिल ग्रुप से बिलोंग करती हो या अपर ग्रुप से बिलोंग करती हो, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ टॉर्चर किया जाता था, उनके अंदर ये डर रहता था कि शायद हम कोई चीज़, वो अपनी मन की चीज़ें भी नहीं कर सकती थी इन चीज़ों की वजह से, उनके अंदर ये रहता था कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगी तो शायद ये जो आदमी है जिनके साथ वो रह रही हैं कहीं उनको वो छोड़ ना दे, या अपने बच्चों को लेकर डरती थी। बट अब इतनी उनमें ये सेटिस्फैक्शन तो होगी कि ये चीज़ नहीं होगी अब मेरे साथ, और अपनी चीज़ें कर पाएंगी वो आगे जाकर के। अगर बीजेपी, अगर कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए कर रही है, तो कांग्रेस को समझना चाहिए वोट बैंक के लिए हो चाहे जो कर तो जनता का भला ही रही है, चाहे वो वोट उनका बढ़ाना हो, चाहे जो भी करना हो, जो भी करना हो, अगर वो वोट बैंक के लिए अगर सही चीज़ कर रही है तो ऑब्वियसली उसको बीजेपी को हर चीज़ वो करना चाहिए जो उसको वोट उसके खाते में जाता हो। और रही बात 3 तलाक की, तो अगर ये 3 तलाक, एक तो मतलब इस टाइप की ये चीज़ें हैं जहाँ से कहीं भी वो
कहीं भी वो एडजस्ट नहीं करता है कि किसी को भी आप तीन तलाक बोल दो, अपनी वाइफ को कहीं से भी बोल दो तलाक हो गया, तुम मेरा कोई नहीं, मैं तुम्हारा कोई नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। फखरुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही थी, मैं जब पूरा संसद में सुन रहा था लोकसभा का, उन्होंने कहा था कि जब आप पति को जेल में भेज दोगे 3 साल के लिए और वो आएंगे तो उनकी पत्नी क्या बोलेगी कि बाहरों फूल बरसाओ महबूब आया है, जब वो अलग हो। उनके इस कमेंट पे आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, एक बार जो एक पति 3 तलाक बोल के तलाक कर चुका है तो वो उसका तो उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो अब वो भाड़ में भी जाए या फिर वो जेल में जाए, उसे बिल्कुल जाना चाहिए जेल में, उसी लाएगा बाहर बाहर फुल पैसा की कोई बात नहीं है, कहीं भी चाहे तलाक हो चुका है, चाहे अपने बच्चों के लिए रोक रही हो, चाहे एक इमोशनली बॉन्ड बन जाता है उस इंसान के साथ उसलिए रोक रही हो, बट एक लिमिट तक ही ये चीज़ रह सकता है, अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करके उनको तलाक का सोच सकते हैं तो वो कभी उनका वेलकम वापस नहीं कर ले जाते। और वो तलाक दे चुका है यानी कि वो उस लेडी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, तो उस लेडी को भी सोचना चाहिए, जो बंदा मेरे बारे में नहीं सोच रहा है वो फांसी पर चढ़े या तलाक, वो जेल में जितने दिन रहे वो बाड़ों फूल बरसाए करने की कोई बात ही नहीं है। अभी के सबसे पहले तो किसी को भी किसी के धार्मिक मामले में दखल देने का कहीं आया ही नहीं है, और इस्लाम में जो चीज़ें हैं वो कुरान में साफ साफ दी हैं उसने, ये एक तरह से औरतें इसमें ब्लैकमेल करेंगी और कुछ नहीं होगा, होगा क्या सीधा सीधा यहाँ से भाई साहब ने बताया, आके उसका किसी चक्कर है कुछ है कहीं है कुछ चल रहा है, उसने सीधा आके बोल दिया, आदमी को 10 बार गुस्सा आता है, अब मान लो आदमी को वो ट्रिपल तलाक उसने दे दिया, आपने उठाकर उसे जेल में डाल दिया, तो उसका अगर वो बाहर रहेगा तो अपने बीवी बच्चों को भत्ता खर्चा दे सकता है ना, फॉर एग्जांपल आप अपने ऊपर ले लो या किसी एक बंदे के ऊपर ले लो, उसने अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक दे दिया लेकिन अभी वो कहता है कि उसका जो मंथली खर्च है वो मैं उठाना तैयार हूँ, बच्चों को भी पढ़ाऊँगा बीवी का भी खर्चा दूँगा, लेकिन उसे उठा के 7 साल की सजा दे दी, तो उसके घर का खर्च कौन उठाएगा? बिल्कुल, आप मतलब इस कानून के खिलाफ हैं जो आ रहा है? सबसे पहली बात तो इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, मतलब कानून गलत बन रहा है? कानून गलत नहीं बना, कानून अपनी जगह सही है, संविधान अपनी जगह सही है, लेकिन इसे जिन लोगों ने संसद में लाए हैं तो उन्हें इस चीज़ पे भी इसी बारे में पूछ रहा हूँ कि 3 तलाक बिल जो है वो गलत, आप ये कह रहे हैं 3 तलाक से पहले एक कानून ये बनाना चाहिए ना कि जिस बंदे को जेल में डालेंगे उसके परिवार की देखभाल, उसकी देखरेख, उसकी मदद कौन करेगा? या तो एक कानून ये बनना चाहिए कि जिस बंदे को जेल हो रही है उसकी फैमिली का पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाएगी। तो 3 तलाक के विषय में लोगों का क्या मानना है, 3 तलाक का जो बिल पास हुआ है उसके बारे में लोगों का क्या कहना है, इस विषय पर हम जनता से उनकी राय जानने के लिए पहुंचे। हर किसी ने अपने हिस्से की बात कही और जो आप कहा वो आपके सामने है, जो सच्चाई थी वो आपके सामने है, लोग क्या सोच रहे हैं 3 तलाक के बारे में, 3 तलाक पर जो बिल बना है उसके बारे में। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं अमित भोबिया, कैमरामैन कृष्णा पवन के साथ, और देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।